बेमौसम हुए आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। वहीं खेतों में खड़ी फसलों में मुनाफे की आस लगाए किसानों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बदलते मौसम के मिजाज से किसान बेहद परेशान है। बेमौसम हुई बारिश में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिस वजह से किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए हैं। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चना, लहसुन, प्याज, अरहर और सब्जी की फसल खेतों में चादर की तरह बिछ गई है। आपको बता दें कि वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र के अनेक पंचायतों में बीती रात अचानक फिर ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो गई। इस दौरान क्षेत्र के करखियाओं, फुलपुर, परसरा, गजोखर, खालिसपुर, रामपुर समेत आसपास के कई पंचायतों में ओलावृष्टि ने इस कदर कहर ढाया कि संपूर्ण फसल को ही तबाह करके रख दिया। इसी बीच भारी ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों ने बताया कि वह खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परंतु बीते रोज हुई ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। ओलावृष्टि रुकने के बाद जब किसान अपने खेतों की ओर गए तो उन्हें अपने खेत सफ़ेद ही दिखाई दिए। किसानों ने बताया कि खेतों में ओले बिछे पड़े थे तथा उनकी सभी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बीती रात जो ओलावृष्टि हुई है, लगभग हमारा 8 बीघे का सरसों और 8 बीघा कम से कम गेहूँ पूर्ण रूप से नुकसान हो गया। चना हुआ, उसके बाद मटर हुआ और अरहर हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, यहाँ तक कि पशु का जो चारा है, बरसिंग है, वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। हमारा जो गाय भी थोड़ा सा उसके ऊपर पतरा उतरा गिर गया था, उसको हटाया गया। कल की जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को काफ़ी क्षति पहुंची है। सरकार से यही दरखास्त है कि किसानों को इस ओलावृष्टि को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित की बात सोचे और किसानों का लाभ देने के लिए जो भी हो उसको करें। इतना बेहद हुआ है कि इतना तो हम कभी देखे नहीं थे। 20 बीघे का गेहूं का फसल हमारा एकदम जमीन में जैसे जद्दोजहद एकदम खत्म हो चुका है और लागत लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया लागत लगा था हमारा उसमें। और अरहर था बहुत बढ़िया, चना था, मटर था, सब फसल जितना था सब हमारा का पूरे करखियाँ गांव सभा का कहीं का किसी का नहीं बचा है कुछ।